दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपने कंप्यूटर की डेट को कैसे चेंज करते हैं या सही करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिनी टू मैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। मैं आता हूं अपने टाइम और डेट पर, जो कि दोस्तों एक कोने में नीचे की साइड होता है। दोस्तों हम करते हैं उस पर क्लिक। दोस्तों जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एक कैलेंडर, ऊपर एक टाइम प्लस डेट और ये कैलेंडर आ जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें जाना है डेट और टाइम की सेटिंग पर। दोस्तों आपको नीचे ही लिखा हुआ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं डेट और टाइम लिखा हुआ रहा है, डेट एंड टाइम सेटिंग। दोस्तों हम करते हैं इस पर क्लिक। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास एक नई विंडो आ चुकी है। तो दोस्तों हमें करना है अपने टाइम और डेट को सेट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमें सबसे पहले सेट करने के लिए ये मिलेगा एक सेट टाइम ऑटोमेटिकली। अगर दोस्तों अगर हमारा ये ऑन है तो दोस्तों हमें करना है इसको ऑफ। वैसे तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक पे जो सेट ही रहता है, लेकिन कभी कभी सेल भी हो जाता है, या हमारे कंप्यूटर की डेट और टाइम किसी वजह से गलत रहती है, तो उसको सेट करने के लिए हमें इसको करना पड़ता है ऑफ। और ऑफ करने के बाद हमें नीचे मिलता है एक चेंज का ऑप्शन, हम करते हैं उस ऑप्शन पर क्लिक। दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और विंडो खुल गया आती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जून लिखा हुआ है, डेट जून 17, 2021, और यहाँ पे आपका टाइम टेबल है। तो दोस्तों आप किसी भी ऑप्शन पे जाकर उसको चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद में आप सीधे इस चेंज वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आपकी जो डेट और टाइम की सेटिंग है वो सेट हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।